नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कट रहा बांध, तो फौरन इस नंबर पर करे कॉल, नीतीश सरकार ने जारी किया नंबर। बीएड कॉलेजों में 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए पंजीयन शुरू। राजगीर में हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज की मांग तेज। गौतम गंभीर इस दिग्गज को बनाना चाहते हैं बॉलिंग कोच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएनएल का रुख कर रहे ग्राहक, रोज 8 से 10,000 सिम की हो रही बिक्री। प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम कंपनियों की ओर से सेवाओं का शुल्क और सिम की कीमत बढ़ा दिए जाने की वजह से लोग अब बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं। एयरटेल और जियो की सेवाओं का शुल्क बढ़ जाने से बड़ी संख्या में मोबाइल यूजर अब बीएसएनएल का सिम खरीद रहे हैं। प्रतिदिन बीएसएनएल के 8 से 10,000 सिम बिक रहे हैं, तो वहीं अब बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा के अंतर्गत पूरे बिहार में 4G के 113 नए BTS चालू हो गए हैं। इसके अलावा इस महीने के अंत तक 4G के 400 अतिरिक्त BTS लगाए जाएंगे। पूरे बिहार में दिसंबर तक 4G सेवा शुरू हो जाएगी। बिहार में कट रहा बांध, तो फौरन इस नंबर पर करे कॉल, नीतीश सरकार ने जारी किया नंबर। मॉनसून की सक्रियता और भारी बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में नदियों की तटबंध पर कटाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस वजह से कई गांवों में नदियों का पानी प्रवेश कर गया है। अब जल संसाधन विभाग ने बाढ़ और तटबंधों की सुरक्षा के लिए आम लोगों से मदद मांगी है। जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। विभाग द्वारा कहा गया है कि अगर राज्य में किसी भी तटबंध पर कहीं भी कटाव, रिसाव या जानबूझकर क्षति पहुंचाए जाने की जानकारी किसी को प्राप्त हो, तो वे जल संसाधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800345614 पर कभी भी कॉल कर सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर HelloWRD के साथ पोस्ट कर भी सूचना दी जा सकती है, ताकि उन्हें शीघ्रता से दुरुस्त कर बाढ़ से होने वाली तबाही को रोका जा सके। बिहार में हर पांचवा कमर्शियल वाहन बिना सही लाइसेंस हो रही परिचालित। यूपी के उन्नाव में हुए बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 16 लोग बिहार के थे। जिस बस का टैंकर से टक्कर होने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका परमिट, बीमा और फिटनेस तीनों चीजें एक्सपायर्ड हो चुकी थी। उसके बाद भी ये बसें बिहार से दिल्ली तक अवैध तरीके से दौड़ रही थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ है कि बिहार में हर पांचवा व्यावसायिक वाहन चालक बगैर उपयुक्त लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। हर छठा ड्राइवर नाबालिग है, जबकि हर 11वें वाहन चालक बगैर किसी लाइसेंस के गाड़ी परिचालित कर रहे हैं। बैठक के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि बिहार में गाड़ी चलाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज और ड्राइविंग के नियम हैं, उसका बड़ी तादाद में लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से राज्य में रोड एक्सीडेंट के मामले भी काफी हद तक बढ़ रहे हैं। नालंदा में 6 फर्जी शिक्षक पर होगी बड़ी कार्रवाई, एक शिक्षक गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले में स्थित सिलाव प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए 6 शिक्षकों पर निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता लाल मोहम्मद ने नालंदा थाना क्षेत्र के बदगांव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता लाल मोहम्मद ने बताया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नालंदा एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिलाव और राजगीर द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डर के अवलोकन के उपरांत पत्रों की जांच में फर्जी पाया गया है। वहीं अन्य प्रमाण पत्र की जांच में सत्यापन प्रतिवेदन गलत पाया गया। पटना में जल्द ही शुरू होगा 236 करोड़ की लागत से बना ताज होटल। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही 5 सितारा होटल ताज शुरू होने जा रहा है। लोदीपुर में बने सिटी सेंटर मॉल में 236 करोड़ की लागत से होटल ताज बनकर तैयार है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को नई पर्यटन नीति के तहत होटल ताज सिटी सेंटर के शुभारंभ का आशय पत्र जनरल मैनेजर सिद्धार्थ जैन को सौंप दिया है। इस मौके पर पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, निदेशक विनय कुमार राय भी मौजूद थे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार यह टूरिज्म पॉलिसी के तहत राज्य में पहला बड़ा निवेश है।
सोलवर गिरोह के मेंबर हुक्माराम पर हुई बड़ी कार्यवाही, जोधपुर एम्स ने किया निलंबित। राजस्थान से नीट परीक्षा मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है। प्रयागराज के परीक्षार्थी राज पांडे की जगह परीक्षा देने वाले सोलवर हुक्माराम को जोधपुर एम्स ने निलंबित कर दिया है। हुक्माराम जोधपुर एम्स में MBBS तीसरे वर्ष का छात्र है। बता दें कि हुक्माराम को मुजफ्फरपुर में DAV स्कूल सेंटर पर डमी परीक्षार्थी के रूप में हॉल में घुसने से पहले ही पकड़ लिया गया था, मगर बाद में वह स्कूल से ही फरार होने में कामयाब हुआ। हुक्माराम के खिलाफ मिठनपुरा थाने में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा को लेकर केस दर्ज है। हुक्माराम की गिरफ्तारी के लिए SI ने पत्र लिखकर जोधपुर एम्स से सहयोग मांगा था, जिसके बाद उसे अब एम्स द्वारा निलंबित कर दिया गया है। BEd कॉलेजों में 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए पंजीयन शुरू। राज्य के सरकारी एवं निजी 343 BEd कॉलेजों में 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया गुरुवार से ही शुरू कर दी गई है। 20 जुलाई तक पंजीयन ऑनलाइन करना होगा। पंजीयन के समय ही कॉलेज या संस्थानों का चयन भी करना होगा। न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन अभ्यर्थी कर सकते हैं। पंजीयन करना काउंसलिंग के लिए अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग को काउंसलिंग के लिए ₹1,000, BC EBC महिला EWS दिव्यांग के लिए ₹750 एवं SC ST के लिए ₹500 निर्धारित किया गया है। 25 जुलाई को प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी सूची 13 अगस्त को और तीसरी सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। राजगीर में हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू। बिहार की पर्यटक नगरी राजगीर में एक बार फिर से हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद महादेवपुर और नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में पहले से प्रस्तावित हेलीपैड बनाने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया गया था। उस जमीन और आसपास की जमीन की पैमाइश भी राजगीर अंचल की ओर से कराई गई थी, मगर अपेक्षित लंबाई नहीं होने की वजह से दूसरे स्थान की तलाश अब शुरू की गई है। नए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण अपर संहारता मंजीत कुमार, SDO कुमार ओमकेश्वर, भूमि सुधार उप संहारता उपेंद्र सिंह ने किया है। शुक्रवार को DM शशांक शुभांकर द्वारा हवाई अड्डे के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि मियार और बधूना मौजा के बीच 550 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस प्रस्तावित हवाई अड्डे की लंबाई 11,000 फीट और चौड़ाई 2,000 फीट है। राज्य में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में अवेक कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई बहाल। राज्य के IGIMS के कार्डियो थोरेसिक विभाग द्वारा नई तकनीक अवेक कार्डियक बाईपास सर्जरी की शुरुआत की गई है। राज्य में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा बहाल की गई। इस तकनीक से बाईपास सर्जरी करने के लिए बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। मरीज को सर्जरी के दौरान पसंदीदा गीत संगीत भजन आदि सुनने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस तकनीक से दरभंगा के 80 साल के बुजुर्ग कुशेश्वर यादव की सफल बाईपास सर्जरी की गई है। सर्जरी के दौरान कुशेश्वर ने हनुमान चालीसा सुनने की फरमाइश की थी। उन्हें हनुमान चालीसा सुनाते हुए सर्जरी की गई थी। अभी वह पूरी तरीके से ठीक हैं। शिक्षा विभाग की कमेटी की पहली बैठक में तय हुई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीति तय करने के लिए बनी शिक्षा विभाग की कमेटी की पहली बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी तय कर ली गई है। शिक्षकों के बिहार के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर पोस्टिंग की समेकित नीति होगी। इसके लिए गुरुवार को हुए बैठक में शिक्षा विभाग की कमेटी द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। कमेटी ने प्रस्तावित नीति में मानवीय पहलुओं पर गौर करते हुए गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों या अगर शिक्षक के आश्रित गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें राहत देते हुए उनकी सुविधा के हिसाब से उन्हें पद स्थापना देने की बात कही है। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों का पद स्थापन एक स्कूल में दिया जाएगा, और अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो उन्हें आसपास के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। अनंत अंबानी की शादी में बिहार की ममता और पूजा लाएंगी बिहारी व्यंजनों का मजा। मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह में देश विदेश के मेहमानों को बिहारी व्यंजन का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। अनंत अंबानी के आशीर्वाद कार्यक्रम में 13 जुलाई को बिहार की मोती झील निवासी ममता साहू और पूजा साहू को बिहारी व्यंजनों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ममता और पूजा पार्टी में लिट्टी चोखा, बगिया पोस्ता दाना की रोटी, झमरुआ, कटहल बिरयानी और पूरी सब्जी आदि बिहारी व्यंजनों को परोसेंगी। बता दें कि वर्ष 2011 में माँ और बेटी ने पाल बेली नाम से बिहारी व्यंजनों का रेस्टोरेंट खोला था। इसके दिल्ली में बिहार निवास के अलावा दिल्ली एवं पटना में कई केंद्र हैं।
वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बिहार में एलिवेटेड बनाने की कवायद शुरू। राज्य सरकार की ओर से वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बिहार के हिस्से में एलिवेटेड बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। चूंकि इस सड़क के निर्माण में करीब 70,000 पेड़ काटे जाने हैं, जिनमें अधिकतर पेड़ करीब 100 साल तक पुराने हैं, ऐसे में इन सभी पेड़ों का पर्यावरणीय महत्व है। इस स्थिति में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पेड़ काटने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार सहित एक्सप्रेसवे से संबंधित अधिकारियों को एलिवेटेड सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के अनुसार यह सड़क राज्य के हिस्से में एलिवेटेड बन जाने से 70,000 की जगह मात्र 1,000 पेड़ काटने पड़ेंगे और साथ ही एक्सप्रेसवे बन जाने से राज्य का विकास भी बाधित नहीं होगा। बता दें कि बिहार के हिस्से में इसकी अनुमानित लागत करीब 19,000 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण 2026 तक पूरा होने की संभावना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज की मांग तेज। पिछले कुछ दिनों से जदयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग जोर पकड़ रही है। गत 29 जून को दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं एक बार फिर जदयू की ओर से यह मांग दोहराई गई है। पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज की आवश्यकता है। वहीं गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि जनता की रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बिहार की तरक्की के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जरूर देंगे। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने मुंबई रवाना हुआ लालू परिवार। शुक्रवार सुबह पूरा लालू परिवार मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शरीक होने के लिए विशेष विमान से मुंबई के लिए रवाना हुआ। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती, छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री भी मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि निमंत्रण है सो हम जा रहे हैं, शुभकामना है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दुनिया भर से कई मशहूर हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। विवाह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से 12 जुलाई को है और कार्यक्रम शनिवार 13 जुलाई तक शुभ आशीर्वाद के साथ जारी रहेगा। वहीं 14 जुलाई को रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित है। गौतम गंभीर इस दिग्गज को बनाना चाहते हैं बॉलिंग कोच। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर को तय कर लिया गया है। हालांकि अभी तक गौतम गंभीर का सपोर्ट स्टाफ तय नहीं हुआ है। सपोर्ट स्टाफ में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच को लेकर अभी तक तलवार लटकी हुई है। इसी बीच क्रिक बज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम गंभीर साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोरकल को बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर ने बीसीसीआई से मोरकल पर विचार करने की दरखास्त की है। बता दें कि मोरकल के अलावा भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जाहिर खान, लक्ष्मीपति बालाजी और विनय कुमार को लेकर भी बीसीसीआई बात कर रही है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, छोटू रजा, रवि कुमार राम, वेद प्रकाश सिंह, बाबुल मरांडी, नौसाद रजा, शशि कुमार, रंजीत कुमार झा, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद असगर कमाल, राम बाबू दास, गोनर शर्मा, बलीराम सिंह, मोहम्मद अफजल मंसूरी, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, सादुल्लाह पालवी, राजकिशोर महतो, विराट चौहान, मोहम्मद इरफान, कुश कुमार यादव, पवन सिंह, संजय कुमार, अभिजीत साव, अजय सिंह, पिंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज क्या मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।